आज की हमारी खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं पर उनका बजट बहुत कम है, पर चंडीगढ़ के पास ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो वीडियो में बने रहें। तो आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा रियल स्टेट में, और मैं निको जी। जैसे कि मैंने बताया, जो आज की हमारी प्रॉपर्टी है वो इन व्यूअर्स के लिए है, उन कस्टमर्स के लिए है जिनके पास बजट कम है पर बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा अपना घर चाहते हैं। वो भी आज की जो प्रॉपर्टी है जो 2 BHK होने वाली है, विद 2 वॉशरूम होने वाली है, 2 अटैच वॉशरूम होंगे। और साथ में आपको बता देती हूँ कि G+2 के टावर में आपको ये घर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इसकी लोकेशन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपको जो रोड है बोथ साइड आपको ओपन ये जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और एक साइड आपको 40 फीट वाइड रोड मिलने वाला है, दूसरी साइड घर के दूसरी साइड भी आपको 35 फीट वाइड रोड मिलने वाला है। तो ये आपको दोनों साइड रोड अच्छी मिलने वाली है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैं ड्रॉइंग एरिया के अंदर बैठी हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा सोफा लगा हुआ है, फिर वो ड्रॉइंग एरिया काफी अच्छा स्पेशियस है। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट है, ये 100 गज के अंदर बना के दिया जाएगा आपको। तो जहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग एरिया में आपको विंडो दी गई है, विंडो से आपको सनलाइट जो है, वेंटिलेशन है, अच्छे से प्रॉपर आती रहेगी। और इसका जो मेन एंट्री है वो इस डोर से होती है, जहाँ से एंट्री होती है आपके अपने प्यारे से घर की। और यहाँ पर आपको एक और डोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक आउटिंग एरिया मिल जाता है, बालकनी मिलती है, जहाँ पर आप बैठ के धूप इंजॉय कर सकते हैं, वेदर इंजॉय कर सकते हैं, बाहर का माहौल देख सकते हैं। और बाहर का माहौल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अच्छी सी फैमिलीज रह रही हैं, अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे घर है। और जैसे ये ड्राइंग एरिया है, आप देखिए यहाँ पर सोफा लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको फिर भी काफ़ी स्पेस जो है यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आप फॉल सीलिंग भी इसमें इंक्लूडेड दी जाएगी, फॉल सीलिंग में आपको देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया जाता है। तो ये ड्राइंग एरिया हो गया, एंट्री हो गई, बालकनी हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है, बहुत ही प्यारे आपको कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं। और जहाँ इस साइड आपको डुअल सिंक दी जाती है, और इसमें आपको किचन के अंदर आपको विंडो भी मिल जाएगी, किचन के अंदर विंडो मिल जाती है। अब हम बेडरूम की बात कर लेते हैं, तो हम बेडरूम में चलते हैं। तो हम यहाँ पर बेडरूम के अंदर आ गए हैं, तो आप देख सकते हो बेडरूम का साइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा साइज है। और बेडरूम के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो हम इस साइड मूव होते हैं। तो आपको सबसे पहले बेड की साइड पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा वॉलपेपर है, वॉलपेपर के साथ साथ यहाँ पर इस साइड आपको ऊपर से कैबिनेट्स बनाकर आपको स्लाइडिंग डोर आपको वार्डरोब बना के दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको अगर इस साइड आ जाते हैं हम, यहाँ पर आपको टीवी पैनल जो है यहाँ पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छे साइज का, बहुत ही मॉडर्न सा आपको यहाँ पर टीवी पैनल दिया जाता है। और यहाँ पर आ जाते हैं विंडो की बात कर लेते हैं, यहाँ पर विंडो है, मैं बता दीजिए दोनों साइड आपको जो बेडरूम है, यहाँ इसके दूसरे बेडरूम से बैकयार्ड की एक्सेस है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर विंडो है, बैकयार्ड आपको मिलने वाला है। और हम मूव करते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ, तो अटैच वॉशरूम आप देख सकते हो यहाँ पर, अटैच वॉशरूम भी आपको बहुत ही अच्छे साइज का मिलने वाला है। अटैच वॉशरूम के अंदर भी आपको काफी अच्छी जो है फैसिलिटीज जो है फिटिंग मिलने वाली है, वो वॉशरूम के अंदर विंडो भी मिलने वाली है। तो हम नेक्स्ट बेडरूम के अंदर मूव करते हैं, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट बेडरूम में बहुत ही डिसेंट साइज का है, स्पेस बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई है, और पूरे घर में सनलाइट बहुत अच्छे से आती है। ये रूम का साइज बहुत ज्यादा प्यारा है, और इस साइड भी आपको बेड की साइड आपको वॉल है, इस पे वॉलपेपर दिया जाएगा। इसके ऊपर फॉल सीलिंग आप देखिए, फॉल सीलिंग में बहुत ही अच्छा डिजाइन आपको दिया जा रहा है। और इस साइड आप मूव होते हैं, तो यहाँ पर आपको टीवी पैनल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैकयार्ड एक्सेस है, तो ये डोर है जहाँ से आपको बैकयार्ड की एक्सेस दी जाती है, साथ में आपको विंडो भी दी जाती है। तो इस साइड मूव होती है, इस रूम के अंदर भी आपको स्लाइडिंग डोर वार्डरोब दिया जाता है, और इसमें भी आपको ऊपर तक कैबिनेट्स जो है बना के दिए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका बजट क्या है और आपकी लोकेशन क्या है ना। जैसे कि ये 123 सेक्टर सनी इनक्लेव के अंदर है ये जो फ्लैट है, तो इसकी लोकेशन में और भी बहुत अच्छी चीज है। सनी इनक्लेव समझ के आप समझ गए होंगे कि सनी इनक्लेव तो काफी अच्छी लोकेशन है ही। तो यहाँ पर इसका अटैच वॉशरूम भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जी अटैच वॉशरूम भी काफी ज्यादा अच्छा साइज का है। इसके अंदर आपको फिटिंग करके दी जाएगी प्रॉपर, आपको अच्छी क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। तो जैसे मैंने मेंशन किया गया था, इसका जो बजट है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लो बजट के अंदर आपको जो है बहुत ही प्रीमियम और लोकेशन में अच्छे और अच्छे साइज में बना हुआ ये फ्लैट आपको मिल जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि इस घर को आप अच्छे से अपना बनाना चाहते हैं, इसको बुक करना चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे मेंशन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आप विजिट करना चाहते हो, इसके लोकेशन के बारे में और कुछ जानना चाहते हो। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपके नोन में भी कोई है जिन्होंने जो चंडीगढ़ के पास प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।